चलो। हेलो बच्चों, राधे राधे सभी को, पीजे सर का नमस्कार। कैसे होंगे? बढ़िया और मस्त। चलो आज की कहानी को स्टार्ट करते हैं और थोड़े से ही जो है वो एक मोटिवेशन के साथ में स्टार्ट करें। सर एक मिनट रुक जाइए, सर हमारे नाम लीजिए पहले। बिल्कुल, सबसे पहले मैं लेना चाहूँगा, एक बहुत प्यारा स्टूडेंट है, मेरी एक बहन है जो डेली वीडियो को देखती है और डेली क्वेश्चंस करती है, उनको डाउट भी भेजती है। बहुत अच्छा लगता है बेटा, आप इस तरीके से प्लेटफॉर्म से जुड़ के आप पढ़ते हो ना, मतलब ऐसा लगता है कि हमारा पढ़ाना सार्थक हो जाता है, कि हम लोग जो इन्वेस्टमेंट करके जो एजुकेशन हमारे बच्चों तक पहुंचाना चाहते हैं, और जब तुम इतना इंटरेस्ट निकालते हो बहुत अच्छा लगता है। ठीक है, बहुत अच्छा लगा है, समझने वाले समझ गए, ठीक है कौन है पता चल गया होगा। तो आप भी इसकी तरह पढ़िए और मेहनत करिए। तो सबसे पहले कमला बहन आपका भी वेलकम, और साथ में जितने भी स्टूडेंट हैं सभी का वेलकम। ठीक है, जो जो डाउट भेजेगा उसका वेलकम लूँगा मैं, नाम लूँगा, जैसे सबका नाम नहीं लूँगा। ठीक है, एक दो डाउट्स आते हैं काफ़ी। ठीक है, तरुण का भी आया था, चलो तरुण तेरा भी नाम ले, खुश रह जा। चलो क्या बात है, ओहो हो 720 में से 720 की तैयारी कर रहे हैं गुरु जी, वाओ, ये तो सुनना चाहता हूँ तेरे मुँह से। साला झिंगूर कहेगा पढ़ना लिखना स्टार्ट कर दिया, देख तेरी लाइफ स्टाइल बदल गई यार, तो बड़ा चेंज हो गया। सर 720 लाने मेरे को, क्योंकि सर है ना 720 में से 720 लाने पर भी है ना एम्स दिल्ली नहीं मिलता है, पता है ना कहानी क्या कह रहा हूँ बच्चों। अगर आप लोग 720 ले आते हो तो 720 लाने के बाद में भी कोई गारंटी नहीं है कि आपको एम्स दिल्ली मिले। इस बार पता है क्या हुआ, जैसे जिसने पहले फॉर्म भरा है ना उसको जो है ना पहले एम्स दिल्ली कॉलेज मिलेगा। बिल्कुल सही बात है, एनटीए ने नया अपडेट जारी किया कि जिनके फर्स्ट रैंक है उनको कॉलेज अलॉट करने के लिए रैंक किस हिसाब से दी जाए। तो एनटीए ने कहा कि जिनके एप्लीकेशन नंबर है उस एप्लीकेशन नंबर को असेंडिंग ऑर्डर में सेट करने के बाद जो ऑर्डर बनेगा वो उनकी रैंक होगी। मान लो कि ये गुड़िया है हमारी कमला, इसने 720 नंबर लिया है, लेकिन 720 लाने के बाद में इस बार 67 रैंक तक 720 है, और इसने लास्ट में फॉर्म भरा और ये 66 नंबर पे हो गई, क्या इसको एम्स दिल्ली मिल पाएगा? बिल्कुल नहीं मिल पाएगा, क्योंकि 56 ही जनरल की सीट है। अब 56 जिनकी सीट है और ये 720 लाके 66 नंबर पे रह गई, यहाँ 57 नंबर पे रह गई, तो इसको एम्स दिल्ली नहीं मिलने वाला है। तो एनटीए भाई साहब, ये जनता पूछ रही है आप क्या खेल खेल रहे हो बच्चों के साथ, है क्यों बच्चों के फ्यूचर के साथ खिलवाड़ कर रहे हो? अच्छी बात नहीं है, है ना। जो भी है, इस बार बड़ा ही कहते हैं ना कि नीट ने भयानक दर्द दिया है बच्चों को। इस बार तो 67 आए, और अगली बार बच्चे मेहनत करके ऐसा ना हो कि 100 बच्चे 720 ले आए, फिर क्या करोगे तुम लोग एनटीए वालों? इसलिए बच्चों के साथ अन्याय करना छोड़ दो, ये बड़ी मेहनत करते हैं, रात दिन आंसू बहाते, रात दिन मेहनत करके काम करके पढ़ के, आप उनके दर्द को जानोगे ना कि एक नंबर का दर्द क्या होता है। एनटीए वाले भाई साहब, कभी बच्चे के पास बैठ के देखना कितने स्ट्रगल करते हैं लड़के लड़कियां, भाई और बहन, वो स्ट्रगल तुम नहीं जान सकते, वो दुख तुम नहीं जान सकते बच्चों का, इसलिए उनके साथ अन्याय करना छोड़ दीजिए। चलो एक प्यारी सी स्टोरी बता रहा था बच्चों। एक बार क्या हुआ, एक बहुत गरीब जो है एक कपल था, कपल का मतलब होता है एक पति और पत्नी थे, उनके घर में एक बेटी हुई। क्या हुई बच्चों? बेटी, बहुत अच्छी बात होती है, मैं तो बहुत अच्छी बात मानता हूँ। लड़कियाँ जो होती है वो एक देवी का रूप होती है, एक भगवान का रूप होती है, मैं तो उनकी बहुत रेस्पेक्ट करता हूँ। पता है जब मेरे को अलग सर के इवेंट में सबसे आगे बैठना था ना, पता है मैंने क्या किया था? तुम लोगों को पता भी नहीं होगा, मैंने एक लड़की के ना पाँव पकड़ लिए थे, बहन मेरे को आज आगे बैठने दे दे, और सीरियसली उसने मेरे को जगह दे दी थी, और देखिए कि उनकी जगह से मैं सीधा स्टेज पर पहुँच गया था, तो बहुत अच्छी बात थी। तो उनके घर में एक लड़की का जन्म हुआ, उन दोनों ने क्या किया, उस लड़की को कचरे के डब्बे में डाल दिया। बड़ी भयानक स्थिति, बहुत बुरा लगता है, दर्द फील होता है यहाँ पे। एक जीव, एक इंसान, वो भी लड़की, उसको आप कचरे के डब्बे में डाल रहे हो, शर्म आनी चाहिए थी उन पेरेंट्स को, लेकिन इसको अनाथ आश्रम ने अडॉप्ट किया, उसकी देखभाल की, और कुछ ही समय से बाद
अमेरिका से एक दंपति आए, कपल आए, और उन्होंने उसको एडॉप्ट किया। एडॉप्ट में समझते हो ना, वो उसको लेके के बहुत अच्छा काम किया बेटा, बहुत अच्छा लगा। उसके बाद वो लोग अमेरिका से ऑस्ट्रेलिया शिफ्ट हो गए। उस बच्ची पे पूरी मेहनत करते, बच्ची का ध्यान रखते, देखभाल करते। बच्ची को क्रिकेट खेलना पसंद था, तो वे लोग उसे क्रिकेट की कोचिंग दिलाते और उस पर अच्छे से ध्यान भी रखते। और उस बच्ची की पूरी मेहनत भी होती थी क्रिकेट पे। ऐसे करते करते बच्ची ने क्रिकेट खेलना स्टार्ट किया। धीरे धीरे वो बड़ी हुई और बहुत अच्छा इतिहास रचा। पिछले कुछ सालों में उसने ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट को वर्ल्ड कप दिलाया। सबसे ज़्यादा विकेट और रन उसी के नाम है। ये है हमारे ऑस्ट्रेलिया की कैप्टन, लेडीज़ कैप्टन, जिन्होंने ऑस्ट्रेलिया को T20 वर्ल्ड कप दिलाया। आर्मस्ट्रांग करके पता नहीं कुछ नाम है, लेडीज़ पता नहीं, मेरी नाम भूल गया हूँ। तो देखिए कितना प्यारा मोटिवेशन है कि किस्मत कब बदल जाती पता नहीं चलता। एक कचरे के ढेर से कहानी शुरू हुई थी, आज वो कहाँ पहुँच गई, ऑस्ट्रेलिया टीम की कैप्टन है। तो लाइफ में सब चीज़ पॉसिबल है। तुम ये मत सोचो तुम क्या हो, तुम्हारे पास क्या नहीं है, ये सब बहाने, सब बहाने। तुम्हारे पास सब कुछ है, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी नींद खराब है, तुम काम चोर हो और कुछ नहीं है, मन नहीं लगता बस। इनको ना मोबाइल दे दो, एक घंटे बैठ जाएंगे लेकिन पढ़ाई नहीं करेंगे। क्यों? अरे मोबाइल एक टेम्प्रेरी और इमेजरी हैप्पीनेस है, रियल हैप्पीनेस नहीं है। तुम कब समझोगे भाइयों और मेरी बहनों? पर तुम समझ ही नहीं सकते, उसके अंदर रहोगे। देखिए कल हम लोगों ने इलेक्ट्रिकल फील्ड को स्टार्ट किया। किसको स्टार्ट किया? इलेक्ट्रिकल फील्ड को स्टार्ट किया। और हमने समझा कि टेस्ट चार्ज जिस फील्ड में जाए और उसे इलेक्ट्रिकल फोर्स का एक्सपीरियंस हो जाए तो वो इलेक्ट्रिकल फील्ड कहलाती है। सर हिंदी प्लीज़। देखिए बच्चों, जब किसी आवेश को विद्युत क्षेत्र में रखा जाए और उसे विद्युत बल का अनुभव होवे, उसे विद्युत क्षेत्र कहते हैं। सर ये टेस्ट चार्ज हिंदी में बोले तो परीक्षण आवेश। क्या बेटा? परीक्षण आवेश। परीक्षण आवेश की वैल्यू बहुत छोटी होती है, ये किसी को इफेक्ट नहीं करता है और इसकी खुद की लोकेशन डिफाइंड नहीं होती है। अच्छा सर, बहुत अच्छी बात बताई। एक ऐसा फील्ड होगा, एक ऐसा भाग होगा जहाँ पे अपने को इलेक्ट्रिकल फोर्सेस का एक्सपीरियंस हो जाए, हमें ये पता चले हम इलेक्ट्रिकल के भाग में है। इसको मैंने सिमिलर कहाँ से करके बताया था, बोलो। हाँ बहन बोलो। यस वेरी गुड। इसने बोला ग्रेविटेशन फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड से बताया था। तो जो चार्ज में रिपल्सन और चार्ज में जो अट्रैक्शन बताया था वो इसी के अलॉन्ग आया था। किसके? इलेक्ट्रिकल फील्ड के। फिर बोला था कि चार्ज के अराउंड जो फील्ड होता है वही इलेक्ट्रिकल फील्ड होता है। यानी इलेक्ट्रिकल फील्ड हमेशा कहाँ रहेगा? चार्ज के अराउंड रहेगा। सर आपने ये भी तो बताया था फोर्स पर चार्ज, फोर्स पर चार्ज E बराबर FyQ। चल बता बेटा इसकी यूनिट क्या बताई थी मैंने, बोलो। गुरुजी इसकी यूनिट बताई थी आपने? हाँ बोल बोल बोल। सर आपने क्या बोला? F/Q। F की यूनिट न्यूटन, Q की यूनिट कुलाम, न्यूटन अपॉन कुलाम। एक और बताया था E बराबर V/D, वोल्ट अपॉन मीटर। डायमेंशन M1L1T-3A-1 बताया था सर आपने तो। चलो बहुत बढ़िया, यहाँ तक की बातें हम लोगों ने डिस्कस की। उसके बाद में हमने जाना कि इलेक्ट्रिकल फील्ड के टाइप्स क्या होते हैं, इसको क्लासिफाइड कैसे करते हैं, यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म। क्या क्या जाना? यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिकल फील्ड, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिकल फील्ड और रेडियल इलेक्ट्रिकल फील्ड। किसी सिंगल चार्ज के अराउंड जो हमारी इलेक्ट्रिकल फील्ड होगी वो रेडियल इलेक्ट्रिकल फील्ड होगी। सर हिंदी में कहेंगे त्रिज्य। क्या कहेंगे? त्रिज्य। क्लास 12 के बोर्ड का फिल इन द ब्लैंक्स, रिक्त स्थान का सवाल है इस साल का, तो ये ध्यान रखना त्रिज्य ही होती है, लंबवत होती है। और किसी सिंगल चार्ज के अराउंड जो इलेक्ट्रिकल फील्ड जो होती है वो निकलती है तो वो हमेशा आउटवर्ड्स होती है, चार्ज से दूर जाती है। और नेगेटिव चार्ज के कारण जो आती है वो चार्ज की तरफ आती है, अवे फ्रॉम द चार्ज। ठीक है, इतनी कहानी हम लोगों ने की, बातें की। सर हम ये जानना चाहते हैं कि इसको किससे बताते हैं। तो देखिए बेटा, इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइन को शो करने का
या ड्रॉ करने का जो तरीका होता है वो होता है इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइन या इलेक्ट्रिकल फोर्स लाइन। क्या बोला? आपको बताना है कि इसके अराउंड इलेक्ट्रिकल फील्ड है। क्या है रे? इलेक्ट्रिकल फील्ड है। तो सर मैं ये कैसे बताऊंगा कि इसके अराउंड इलेक्ट्रिकल फील्ड है? बहुत बढ़िया। तो मैंने कहा कुछ लाइंस खींच ले। वो लाइंस क्या है? वो इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइंस है। क्या है? इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइंस। सर क्या विद्युत क्षेत्र रेखा है? कुछ लोग कहते हैं विद्युत बल रेखा है, यानी ऐसी रेखा है, ऐसी लाइंस जो किसको रिप्रेजेंट करे? इलेक्ट्रिकल फील्ड को डिनोट करे। किसको डिनोट करे रे? इलेक्ट्रिकल फील्ड को। सर ऐसा ही होगा क्या? नहीं, एक काम और हो सकता है। वो काम ये होता है कि उस इलेक्ट्रिकल फील्ड में पॉजिटिव चार्ज को चलाए तो पॉजिटिव चार्ज के चलने का जो पथ होगा, यानी कि जो धनात्मक आवेश है उसके चलने का जो रास्ता होगा, वही आपकी क्या है? इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइंस है। द पाथ ऑफ मूविंग टू द पॉजिटिव चार्ज। कहने का मतलब है किसी धनात्मक आवेश को चलने के लिए जिस पाथ की आवश्यकता होती है उसे क्या कहा जाता है? विद्युत क्षेत्र रेखा। सीधा सीधा कहो, ऐसी काल्पनिक रेखा है जो विद्युत क्षेत्र को प्रदर्शित करे। ऐसी काल्पनिक रेखा है जो विद्युत क्षेत्र को प्रदर्शित करे। इसका मतलब ये रियल में एग्जिस्ट तो नहीं करती, लेकिन हमें चार्ज के अराउंड या किसी के अराउंड बताना है कि इलेक्ट्रिकल फील्ड है, तो वहां पे वो लाइंस खींची जाती है। तो आज उसी की कहानी से हम लोग जो हमारी कहानी को स्टार्ट करेंगे। मेरे प्यारे बच्चों, प्यारे जिंगुरो, प्यारे लाडू, प्यारे गुड़े, प्यारे गुड़ियाओं और प्यारे बच्चों और प्यारे डॉक्टर और प्यारे इंजीनियर्स, ध्यान से देखिए। ये हम तो पढ़ चुके थे, ठीक है ना? यहां तक हम लोगों ने कल पढ़ा था रेडियल इलेक्ट्रिकल फील्ड। आज थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और इलेक्ट्रिकल लाइन ऑफ फोर्स की बात करते हैं। इलेक्ट्रिकल लाइन ऑफ फोर्स को क्या कहते हैं, ध्यान से सुनिएगा। विद्युत बल रेखा है, और विद्युत क्षेत्र रेखा है। क्या कहा? विद्युत बल रेखा है या विद्युत क्षेत्र रेखा है। अभी मैंने बोला ऐसी रेखा है जो काल्पनिक हो। कैसी हो? काल्पनिक। यानी कि सबसे पहली चीज ये एक इमेजिनरी लाइन्स है जो इलेक्ट्रिकल फील्ड को भी बता रही है, पहली चीज। और दूसरी चीज पॉजिटिव चार्ज को चलने का पाथ जो होता है वो बताती है। अच्छा, और क्या हो सकता है इसके अंदर? तो सर देखिए, पॉजिटिव चार्ज के कारण बाहर निकलती है, नेगेटिव चार्ज से अंदर आती है। सर इंग्लिश, हिंदी वालों की तरह मत भागिए। पॉजिटिव चार्ज से क्या होता है? टूवर्ड्स द चार्ज या अवे द चार्ज? टूवर्ड्स द चार्ज। नेगेटिव में अवे द चार्ज, चार्ज की तरफ और चार्ज से दूर। ठीक है, ऐसा तो नहीं हुआ मैंने कहीं उल्टा बोल दिया? तो देख लेना तुम इंग्लिश वालों, हो जाता है कभी कभार। ठीक है, चलो। तो ये हो गया। दूसरी चीज़, इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइन्स जो होती है वो कभी भी एक दूसरे को काटती नहीं है। यानी कि ये इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइन्स और ये इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइन्स कभी भी एक दूसरे को काटेगी नहीं। क्यों? मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि कोई भी इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइन्स होती है, अगर उसके ऊपर टेंजेंट खींची जाए, हिंदी वालों स्पर्श रेखा खींची जाए, तो वो इलेक्ट्रिकल फील्ड की डायरेक्शन को बताती है। क्या बोला रे? इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइन के ऊपर एक टेंजेंट सर स्पर्श रेखा खींचे तो वो इलेक्ट्रिकल फील्ड अर्थात विद्युत क्षेत्र रेखाओं को बताएगी। बहुत बढ़िया। तब ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे एक टेंजेंट इधर आएगी और एक इधर आएगी। क्या एक पॉइंट पे दो इलेक्ट्रिकल फील्ड की डायरेक्शन हो सकती है? क्या? कभी नहीं हो सकती, इसलिए एक दूसरे को काटती नहीं है। क्या ये क्लोज लूप बनाएगी? नेवर। इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइन्स आर नेवर फॉर्म द क्लोज लूप। विद्युत क्षेत्र रेखाएं कभी भी बंद लूप का निर्माण नहीं करती है। सर क्या बात है, आहस्ता प्योर हिंदी बोल रहे हो। अच्छा अच्छा, चलो। तो ये चार पांच पॉइंट याद रखना मेरे क्लास 12 के बच्चे, चार पॉइंट रट लेना विद्युत क्षेत्र रेखाओं के बारे में। हमेशा इसका क्वेश्चन आता है कि विद्युत क्षेत्र रेखाओं के चार प्रॉपर्टीज यानी कि चार गुण लिखो। डिफाइन द फोर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइन। सर मारवाड़ी में विद्युत क्षेत्र रेखाओं के चार गुण लिखिए, ये सवाल आता है। क्या बताया? काल्पनिक रेखाएं होती है, बंद लूप का निर्माण नहीं करती है,
एक दूसरे को काटती नहीं है, पॉजिटिव से बाहर नेगेटिव से अंदर। आगे बात समझ में? सर इंग्लिश में भी आंसर दे दीजिए। दे डू नॉट फॉर्म क्लोज लूप, दे डू नॉट इंटरचेक टू इच अदर। तीसरा पॉजिटिव चार्ज से टूवर्ड्स द चार्ज या अवे द चार्ज और नेगेटिव से टूवर्ड द चार्ज। ये दो वर्ड जो है वो मेरे कन्फ्यूज़ हो गए, हो सकता है मैं एक को इधर बोल दूँ का इधर बोल दूँ, तो इंग्लिश वाले ध्यान रख लेना ठीक है। और टेंजेंट ऑन द इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइन्स आर रिप्रेजेंट टू इलेक्ट्रिकल फील्ड, ओके। और जहाँ इलेक्ट्रिकल लाइन्स ज़्यादा होगी ना, वहाँ इलेक्ट्रिकल फील्ड भी ज़्यादा रहेगा। तो ये वही काम किया जो मैं हमेशा करता हूँ, बेसिक चीज़ें मैंने आपको पहले ही समझा दी। अब पता है सर क्या हुआ? सारी कहानी वही आएगी आपने जो पढ़ाई वो तो आनी है बेटा, देखना ध्यान से। देखो मैंने यही बोला था कि एक छोटे से पॉजिटिव चार्ज को चलने के लिए जो पाथ डिस्क्राइब होगा वो पाथ ही हमारा क्या कहलाने वाला है, वो पाथ ही हमारा इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइंस कहलाने वाला है। देखो इसने क्या लिखा, ध्यान से समझिए। हाँ हिंदी में भी बताऊंगा। इट इज डिफाइंड एज द पाथ डिस्क्राइब्ड बाई ए स्मॉल पॉजिटिव चार्ज। यानी क्या बोला गया, जब किसी धनात्मक आवेश को विद्युत क्षेत्र में रखा जाए के द्वारा तैपथ खत्म। यानी कि जब हमारा स्मॉल पॉजिटिव चार्ज जिस इलेक्ट्रिकल फील्ड में होगा और जिस रास्ते पे चलेगा वही हमारी इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइंस रहने वाली है। क्या रहने वाली है? इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइंस रहने वाली। सर थोड़ा साइड में हो जाओ, आज हिंदी में लिखो, हमको लिखना है। चल लिख दे जल्दी से, झिंगूर फटाफट लिखो। दूसरा पॉइंट ये जो होती है वो डिफरेंट इलेक्ट्रिकल चार्ज के कारण होती है, आपको पता है ये पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। तो ये क्या होती है, अलग अलग विद्युत आवेशों के कारण आगे बात समझ में। चलो आगे देखते हैं, ये देखना बेटा ध्यान से, ये हमारा पॉजिटिव चार्ज है। इस पॉजिटिव चार्ज के कारण इलेक्ट्रिकल फील्ड हमेशा कहाँ निकलती है, बाहर निकलती है। तो इस पॉजिटिव चार्ज के कारण यहाँ पे एक छोटा सा था, इसको चलने के लिए जो रास्ता चाहिएगा वो रास्ता ही तो हमारा क्या, इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइन। यानी किसी भी चार्ज के अराउंड एक ऐसा फील्ड होता है, उस फील्ड को अगर वहाँ पे हम पॉजिटिव चार्ज को रखें और वो पॉजिटिव चार्ज जिस रास्ते पे चले वो रास्ता ही हमारा क्या है, इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइंस है ठीक। तो ये पॉजिटिव चार्ज के कारण इस तरीके से इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइंस आएगी। तो ये सारी की सारी जो मैंने पिंक कलर से बनाई ना बेटा, ये सारी की सारी हमारी इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइंस है। जो क्या बता रही है, इलेक्ट्रिकल फील्ड को बता रही। मैंने पहले भी तो बोला कि इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइन किसको रिप्रेजेंट करेगी, तो इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइन जो होती है वो इलेक्ट्रिकल फील्ड को रिप्रेजेंट करती है। अरे लाला किसको करती है, इलेक्ट्रिकल फील्ड को डिनोट करती है। चलो बच्चा अच्छी बात है, बहुत अच्छा लगा सर। आगे देखिए प्यारे बच्चों क्या कहानी होने वाली है। तो ये एक पॉजिटिव चार्ज के कारण, आइसोलेटेड का मतलब सिंगल
आवेश यहाँ पे लेकर रखा है, ठीक है, विलगित आवेश, विलगित धनात्मक आवेश कह सकते हो आप लोग। इसी तरीके से नेगेटिव चार्ज के कारण, तो देखिए नेगेटिव चार्ज भी क्या होगा, ये नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइन की आएगी, यहाँ है कि जब यहाँ पॉजिटिव चार्ज आप चलाओगे तो इसकी तरफ आना स्टार्ट होगा, और जब यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज चलेगा तो इससे दूर जाना स्टार्ट होगा। तो समझ गए ना कि सिंगल सा पॉजिटिव चार्ज रखोगे तो ऐसे दूर जाना पसंद करेगा इसके चारों ओर। इस तरीके से ये लाइन किसको बताना शुरू कर देगी, इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइन को। उसी तरीके से अगर आपका चार्ज यहाँ होगा तो ये इसकी तरफ आएगा, अगर यहाँ होगा तो इसकी तरफ आएगा, यहाँ होगा तो इसकी तरफ आएगा। इसी तरीके से यहाँ पे लाइंस आ जाएगी और वो लाइंस जो है वो किसको बताएगी बेटा बोल, अरे मेरे प्यारे बच्चे बोल, तो वो इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइंस को बताएगी। अरे बेटा किसको रे, इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइन। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, कोई दुख वाली बात नहीं है, कोई समस्या वाली बात नहीं है, समझ आया रे? यस सर, आगे बढ़िए, आगे बताइए। चलो बच्चा, ये हो गया नेगेटिव चार्ज ऋणात्मक आवेश के कारण, ये विलगित धनात्मक आवेश और ये विलगित ऋणात्मक आवेश के कारण। अच्छा सर, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया बात, आगे बताइए। तो देखिए प्यारे बच्चों, आगे प्रॉपर्टीज देखिए इस तरीके से, जब दो पॉजिटिव चार्ज को पास में रखोगे तो उनकी इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइंस कैसे बनेगी, तो उनकी इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइन ऐसे बनेगी, इस पॉजिटिव के कारण बाहर की तरफ सारी की सारी लाइंस निकल रही है, इस पॉजिटिव के कारण सारी की सारी बाहर निकल रही है, और बताइए क्लोज लूप बनता नहीं है तो ये यहाँ पे ही रह जाता है। उसके बाद ध्यान से देखिए, तो ये हमारे पास में लाइक चार्जेस हैं, लाइक का मतलब क्या है, समान प्रकृति के आवेश हैं। कैसे बेटा, समान प्रकृति के आवेश। इस तरीके से अगर असमान हो जाए तो ये देखिए बेटा, इस असमान के कारण क्या हुआ, तो आपको पता है पॉजिटिव चार्ज से कहाँ निकलती, सारी की सारी बाहर निकलती है, इस तरीके से ये बाहर निकल रही है। और आपको बताइए ना कि ये लाइन ऐसे जा रही है तो यहाँ पे एक टेंजेंट खींचूंगा, इलेक्ट्रिकल फील्ड इसका कहाँ होगा, इधर होगा, इसका इलेक्ट्रिकल फील्ड यहाँ होगा, ये जा रही है इसका इलेक्ट्रिकल फील्ड इधर होगा। तो ये ब्लैक डॉट किसको बता रहा है, इलेक्ट्रिकल फील्ड को बता रहा है, और ब्लैक डॉट पर जो एरो वाली लाइन है वो क्या है, टेंजेंट है, स्पर्श रेखा है, ध्यान से दिखना। तो ये अगर हमारे पास में अनलाइक चार्जेस आ जावे, कैसे चार्जेस आ जावे, अनलाइक चार्जेस आ जावे, अर्थात असमान प्रकृति के आवेश आ जाए, और यदि असमान प्रकृति के आवेश आएंगे तो उनका इलेक्ट्रिकल फील्ड जो लाइन्स है वो इस तरीके से बनेगी कि पॉजिटिव के कारण सारी लाइन्स क्या रहेगी, बाहर की तरफ, नेगेटिव के कारण क्या रहेगी, अंदर की तरफ, इस तरीके से ये पोर्शन बन जाएगा। आई बात समझ में? अब आगे कहानी को थोड़ा सा बढ़ाते हैं और थोड़ी सी बात आगे करते हैं। अगर हम दो प्लेन कंडक्टर ले लें, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा कंसेप्ट है, दो प्लेन यानी कि दो कंडक्टर ले लिए, ये और ये। अब इस कंडक्टर के एक साइड में पॉजिटिव चार्ज दिया तो दूसरे साइड में नेगेटिव चार्ज दिया, तो इलेक्ट्रिकल फील्ड इसके अंदर जो रहेगा वैसा रहेगा, प्लस से माइनस, प्लस से माइनस, प्लस से माइनस, प्लस से माइनस और प्लस, इन्हें प्लेटें भी कहा जाता है। इसीलिए जब आप पढ़ोगे चैप्टर नंबर 2 तो वहां पे आएगा पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के अंदर इलेक्ट्रिकल फील्ड निकालने का, जो यहीं पे निकाल के जाएंगे। तो ये ध्यान रखना, ये हमेशा प्लेन प्लेटों के लिए है, प्लेन कंडक्टर के लिए इस तरीके से इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइन आएगी, क्योंकि यहाँ पे चार्ज पूरा डिस्ट्रीब्यूट है, जो अभी हमने पढ़ा नहीं है चार्ज डिस्ट्रीब्यूट क्या होता है, अभी तक नहीं पढ़ा है, लेकिन ये प्लेटों के अंदर की व्यवस्था है, इस प्लेट के अराउंड सारा का सारा चार्ज कैसा है, पॉजिटिव, और इस प्लेट के अराउंड कैसा चार्ज है, सारा का सारा नेगेटिव। तो इलेक्ट्रिकल फील्ड जो होता है वो पॉजिटिव से बाहर की तरफ होता है और नेगेटिव से उसकी और होता है। तो ये जो इलेक्ट्रिकल फील्ड है वो प्लस से माइनस जाएगा, प्लेन कंडक्टर के लिए कहे या हम प्लेट के लिए कहे, ठीक है। और दोनों प्लेट कैसी होनी चाहिए, पैरेलल होनी चाहिए, ये रहा प्लेन कंडक्टर्स कैरिंग इक्वल एंड अपोजिट चार्ज। तो ये जो है वो क्या कैरी करता है, एक तो इक्वल यानी कि समान और विपरीत प्रकृति का चार्ज करता है। तो क्या लिखोगे, समांतर प्लेटें, समान तथा विपरीत प्रकृति का आवेश।
सर एक बात बता दो, ये ऐसा क्यों हुआ? एक कंसेप्ट बताया था, याद है किसी को? बोलो। हाँ बता दे कमला बहन, तू ही बता दे, चल कोई बात नहीं। अच्छा इंडक्शन प्रेरण, सर एक एम पर पॉजिटिव है तो ऑटोमेटिकली नेगेटिव चार्ज आ जाता है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, ये वही चीज हुई है यहाँ पे। अब थोड़ा सा कहानी को आगे बढ़ाते हैं और आगे की बात करते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी बताई है वही चीज जो मैंने आपको बोला कि ये पॉजिटिव चार्ज से क्या होती है, स्टार्ट होती है लाइन, हमेशा ध्यान रखना, और टर्मिनेट कहाँ हो जाती है, नेगेटिव चार्ज की तरफ। सर प्लीज टॉक इन हिंदी। धनात्मक आवेश से शुरू होकर ऋणावेश पर समाप्त हो जाती है। ये ध्यान रखना। नेक्स्ट देखो बेटा, ये देखो ओरिजिनेट होती है और टर्मिनेट होती है। अब दूसरी चीज, जब कभी भी ये चार से निकलती है ना बेटा, मैं एक चीज पहले भी बता चुका हूँ, ये हमेशा 90 डिग्री के एंगल पे निकलती है, सारी की सारी, ये सारी की सारी जो कंडक्ट चार्ज बनाए हुए, ये सारे के सारे कैसे परपेंडिकुलर निकलने वाली है, यानी कि लंबवत निकलती है, 90 डिग्री के कोण पे निकलती है, आप ऐसा कह सकते हो। कितने डिग्री के कोण पे निकलती है? 90 डिग्री या राइट एंगल के कोण पे निकलती है। इस चीज का भी आप लोगों को ध्यान रखना है बेटा। आई ना बात समझ में? चलो अब बहुत अच्छी बात देखना बेटा कि कंडक्टर हो जाए कोई भी, ध्यान रखना, जैसे कि कंडक्टर बोले तो चालक, मान लीजिए हमारे पास में एक चालक है, यानी कि एक कंडक्टर है। आप लोगों को ध्यान रखना है कंडक्टर के अंदर क्या होता है, चार्ज होता है। तो जब भी कंडक्टर के अंदर चार्ज होता है तो जब आप इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइंस बनाओगे ना तो ये इस तरीके से बनाना, आप ये ध्यान रखना, इसके अंदर कभी भी लाइन को नहीं रिप्रेजेंट करते, ये ध्यान रखना कि इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइन कभी भी कंडक्टर के अंदर से निकलती ही नहीं है, वो बार बार से बताई जाती है, ये ध्यान रखना। ये सवाल कई बार आया हुआ, अभी जब एमसीक्यू कराएंगे उसमें सारी चीज़ों के सवाल लेंगे हम, ठीक है ना। चलो ये देखो इसने लिखा भी, दे डू नॉट पासेस थ्रू ए कंडक्टर, चालक में से प्रवेश नहीं करती है। इस बात का ध्यान रखना। चलो ये कभी भी एक दूसरे को काटती नहीं है, क्यों नहीं काटती है, क्योंकि एक ही बिंदु पे दो दिशाएं संभव नहीं है। सर हिंदी में लिख दीजिए, तो लिखिए बेटा विद्युत क्षेत्र रेखाएं बात समझे, तो विद्युत क्षेत्र रेखा कभी भी एक दूसरे को काटती नहीं है, क्यों नहीं काटती, क्यों एक ही बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दो डायरेक्शन पॉसिबल नहीं है, ध्यान रखना इस बात का। चलो अब एक चीज डायग्राम बना लेना आप लोग इस तरीके से कि ये इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइंस और ये इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइंस, अगर मान लो यहां पर काटे तो क्या होगा, अगर यहां पर यह काटेंगे तो मैंने आपको अभी बताया इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइंस पे अगर हम टेंजेंट लें तो ये इलेक्ट्रिकल फील्ड इधर आएगा E1 और ये इलेक्ट्रिकल फील्ड अलग आएगा E2। तब इस एक पॉइंट पे कौन सा वाला पॉइंट है बेटा,
अब ये वाला जो पॉइंट है, इस एक पॉइंट पे इलेक्ट्रिकल फील्ड की दो डायरेक्शन आ रही है जो कभी भी पॉसिबल नहीं है। एक लाइन और लिख देना बेटा, आप लोग लिखिएगा, विद्युत बल रेखा पर खींची गई स्पर्श रेखा, विद्युत बल रेखा पर खींची गई स्पर्श रेखा विद्युत क्षेत्र को बताती है। इस तरीके से को टच करवा देना ना, बना देते हैं वापस। तो तुम बोलोगे सर आपसे एक लाइन सीधी नहीं बनती है, क्या करें बेटा, कुछ चीजें अपने हाथ में नहीं होती है ना, इसलिए ये सबसे बड़ी समस्या है। चलो बन गई ना, ये इलेक्ट्रिकल फील्ड की डायरेक्शन आते हैं, जल्दी से लिख दीजिए फटाफट। चलो नेक्स्ट देखिए बेटा, तो कहानी को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं और आगे बात करते हैं, ठीक है। अब देखना ध्यान से, अभी तू ये वहाँ कैसे चला गया रे, मेरे को ये नहीं पता ये यहाँ से यहाँ कैसे आता है, अब मुझे यहाँ खड़ा रहना पड़ेगा। चलो देखो आगे, देखो रिलेटिव क्लोजनेस ऑफ लाइन, यानी कि जहाँ पे लाइनें ज़्यादा पास पे होगी ना क्लोजनेस ज़्यादा होगी, वहाँ इलेक्ट्रिकल फील्ड ज़्यादा रहेगा, बस ये कहना चाहता है, ठीक है। क्या लिखा हुआ, एक पूरी लाइन निकालनी पड़ेगी ना इसको थोड़ा सा। The relative closeness of lines of force gives the relative closeness of line of force is given the idea about relative strength of electrical field region, कि वहां की इलेक्ट्रिकल फील्ड की सामर्थ्य कितनी ज्यादा है, यानी कि जब विद्युत क्षेत्र रेखाएं ज्यादा नजदीक होगी ध्यान रखना। कैसे बेटा, ध्यान से समझना, ये हमारे पास में इस तरीके से ये हमारा पॉइंट है एक, इस तरीके से यहां पे इसका नाम है ए, एक पॉइंट है यहां पे बी और एक पॉइंट है यहां पे सी। आपको बताना है कहां का इलेक्ट्रिकल फील्ड जाता है, तो यहाँ देखिए लाइनें बहुत पास पास में है और यहाँ पे भी बहुत पास पास है, तो इन दोनों साइड में इलेक्ट्रिकल फील्ड क्या है ज़्यादा और यहाँ क्या इलेक्ट्रिकल फील्ड कम, तो ई ए और ई बी का तो इलेक्ट्रिकल फील्ड इक्वल ही रहेगा, किससे ज़्यादा होगा ये, सॉरी ई सी का किससे ज़्यादा रहेगा, ई ऑफ बी से, ये ध्यान रखना। यानी कि ए का इलेक्ट्रिकल फील्ड जो है वो ज़्यादा है किससे बेटा, सी से, और आपके पास में आज ए का इलेक्ट्रिकल फील्ड सबसे ज़्यादा है बी से और उसके बाद में सी का इलेक्ट्रिकल फील्ड ज़्यादा है बी से, ये बात समझ लेना। इस तरीके से मैंने पॉइंट बताया कि जहाँ ज़्यादा लाइनें पास होगी वहाँ इलेक्ट्रिकल फील्ड की सामर्थ्य या इलेक्ट्रिकल फील्ड रीजन जो है वो ज़्यादा रहेगा। आई बात समझ में, चलो। मिस्टेक्स इसलिए होती है क्योंकि सामने बच्चे नहीं होते ना, तो पढ़ाना मुश्किल होता है। आप कभी ना कमरे में जाके 10 मिनट है ना खुद को चीज़ समझा दो, पता चल जाएगा। सबसे डिफिकल्ट टास्क होता है ऑनलाइन टीचिंग, ठीक है, ऑफलाइन टीचिंग तो बहुत आसान होती है। देखो कैसे यहाँ पे मैंने डायग्राम भी बनाया है, ये लिख दिया, चलो डायग्राम देख लो क्या बनाया हमने, इस तरीके से देखो पूरा देखना। देखो ये पॉजिटिव चार्ज है और ये नेगेटिव चार्ज, यहाँ लाइनें बहुत पास पास में, देखो रेड वाली लाइन्स को देखोगे तो यहाँ लाइनें सारी क्या है बेटा, पास पास में, क्या है बच्चा, पास पास में। यहाँ देखो लाइनें क्या है बच्चा, दूर दूर। आई बात समझो, तो यहाँ लाइनें पास पास और यहाँ लाइनें क्या है, दूर दूर।
तो जब यहाँ पे इलेक्ट्रिकल फील्ड की स्ट्रेंथ की बात करोगे ना, तो यहाँ का इलेक्ट्रिकल फील्ड का स्ट्रेंथ ज़्यादा रहेगा कंपेयर टू दिस। ये बात मैंने बोली और डायग्राम से भी समझा दी। चलो सीधी सी बात, अब हम बात करेंगे अट्रैक्शन की और रिपल्सन की। अगर हमारे पास में कॉन्टैक्ट लॉन्गिट्यूडनल हो रहा है, कैसा हो रहा है? लॉन्गिट्यूडनल में समझते हो ना, अभी मैंने समझाऊंगा, यानी कि लेंथ वाइज हो रहा है, लंबाई के अकॉर्डिंग हो रहा है, तो वहां पे जो रीजन है वो कैसा आएगा? अट्रैक्टिव रीजन आएगा। कैसा आएगा? अट्रैक्टिव, अर्थात इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइन एक दूसरे को अट्रैक्ट करी, तो वो सारी की सारी जो हमारी कॉन्टैक्ट लाइन है वो लॉन्गिट्यूडनल होनी चाहिए। उसके बाद में देखो, ये पॉजिटिव चार्ज और ये नेगेटिव चार्ज, इस तरीके से ये लॉन्गिट्यूडनल इस तरह से, यानी कि सीधी रेखा जब होगी ना, तो आपको वहां पे हमेशा क्या दिखाई देगा? अट्रैक्शन नेचर दिखाई देगी। हिंदी वाले ऐसे समझ सकते हो। और अगर आपके पास में लेटरल प्रेशर आ रहा है, एक दूसरे के ऊपर प्रेशर आ रहा है, जैसे ये पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, इस तरीके से प्रेशर आ रहा है, देखना ध्यान से, तो ये यहाँ पे क्या बता रहा है? रिपल्सिव नेचर को बता रहा है। क्या बता रहा है? रिपल्सिव नेचर को। देखो ध्यान से, एक दूसरे के ऊपर प्रेशर लगा रहे हैं, नहीं लाइनें बहुत पास पास में आके दबाव लगा रही है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे रिपल्सन हो जाएगा। यानी कौन से केस में अट्रैक्शन है और कौन से केस में रिपल्सन है, ये ध्यान रखना। जब लाइनें हमारी लॉन्गिट्यूडनल हो तो हमारे पास में अट्रैक्शन रहेगा, और जब वहाँ पे लाइनों के ऊपर दबाव आ जाए, प्रेशर आ जाए, तो रिपल्सन रहेगा। चलो अब बात करते हैं इसके कुछ क्वेश्चंस की, क्वेश्चंस क्या क्या है, ठीक है? तो आपको चार प्रॉपर्टी याद रख लेना, ज्यादा याद नहीं रखनी है। ट्वेल्थ वालों क्वेश्चंस देख लो पहले। द इलेक्ट्रिकल लाइन्स ऑफ फोर्सेस इज द पाथ फॉलोड बाई फ्री क्या पोल पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज के कारण जो पाथ आता है इलेक्ट्रिकल फील्ड में उसको चलने के लिए, वही हमारी इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइन्स होती है। विच टाइप ऑफ इलेक्ट्रिकल फील्ड इज प्रेजेंट इन आइसोलेटेड पॉइंट चार्जेस। आइसोलेटेड पॉइंट चार्ज के कारण कैसी इलेक्ट्रिकल फील्ड प्रेजेंट होती है? बताया था यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म, सर्कुलर, इलेप्टिकल, कल ही बताया था रेडियल। उसके बाद में, एट विच एंगल ऑफ द सरफेस ऑफ द चार्ज द इलेक्ट्रिकल लाइन्स ऑफ द फोर्स ओरिजिन एंड टर्मिनेट। एक दूसरे के कैसी होती है? लंबवत, यानी कि 90 डिग्री एंगल पे होती है। चलो इलेक्ट्रिकल डाइपोल अभी नहीं पढ़ेंगे, इलेक्ट्रिकल डाइपोल जो है अपन थोड़ा सा बाद में पढ़ेंगे। नहीं रुको रुको, अभी लेक्चर खत्म नहीं हुआ है, बड़े हंस रहे थे ना, मजे आ रहे थे। सर वाह रे वाह, आज का लेक्चर जल्दी खत्म हो गया, नहीं हुआ बेटा, ठीक है ध्यान। तो अभी हम लोगों ने इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइन्स पढ़ ली, चलो एक मिनट रुक जाओ, थक जाते यार, लंबी क्लास लेते ना थक जाते। चलो अभी हम पढ़ेंगे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि अभी हमने सिंगल चार्जेस पढ़ लिए, पॉजिटिव चार्जेस, नेगेटिव चार्जेस। अब क्या करेंगे? चार्ज को किसी पे डिस्ट्रीब्यूट कर दे, यानी कोई लेंथ वाला ऑब्जेक्ट है तो, कोई एरिया वाला ऑब्जेक्ट है तो, और कोई वॉल्यूम वाला ऑब्जेक्ट है तो, उसमें कैसे चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे? जैसे कि ये एक लेंथ वाला ऑब्जेक्ट है, अगर हम इसको चार्ज दे तो ये चार्ज है वो सारा एक समान रूप से वितरित हो जाएगा, एक इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा यूनिफॉर्मली। इसी तरीके से किसी कोई सर्कुलर चीजें होगी, कोई वॉल्यूम वाली होगी, तो जैसे इसमें बेसिक एग्जांपल होता है, लेंथ में रॉड होता है, उसमें डिस्क होती है और उसमें स्पेयर होता है, समझते हो ना? तीनों में एक आपके पास में रॉड है, मतलब ये पेंसिल है, एक एरिया मतलब आप क्या मान लो सर, पिज्जा मान लेते हैं, पिज्जा के अंदर जो सारे मिर्च मसाला प्याज लगा हुआ है वो, स्पेयर को फुटबॉल मान लो उस, अरे सर गर्मी का सीजन, मतीरा, मतीरे के अंदर बीज, चलो मतीरे के अंदर वाला जो भाग है ना, सारे के सारे बीज लगे, तो वो एक वॉल्यूम से डिस्ट्रीब्यूट है चार्ज, पिज्जा के अंदर सारा मसाला एरिया में डिस्ट्रीब्यूट है, और पेंसिल के अंदर यहाँ पे जितना भी चार्ज है सारा लेंथ के। तो तीन तरीके से होता है चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, होता क्या है ध्यान से समझो। सर मास डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता था? सर डेंसिटी आती थी, मास अपॉन वॉल्यूम, कि कितने वॉल्यूम में कितना मास आ रहा है,
क्या बोलते थे, कितने वॉल्यूम में कितना मास आ रहा है, उसी तरीके से स्टार्ट करते हैं। चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, हेडिंग लगाइएगा आवेश वितरण। यहाँ पे क्यों नहीं आ रहा यार, मेरे बड़ी समस्या हो गई है। आ गया ना, आवेश वितरण, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। देखिए ध्यान से क्या होता है, आवेश वितरण जो है वो दो प्रकार से होता है, एक होता है यूनिफॉर्म और एक होता है नॉन यूनिफॉर्म। एक होता है एक समान आवेश वितरण, यानी कि कोई भी ऑब्जेक्ट आप उसमें समान तरीके से आवेश को जो वितरित करो। जैसे देखिए यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है वो इक्वली एक समान तरीके से दिया गया है, यहाँ पे भी एक समान तरीके से देखोगे तो पॉजिटिव चार्ज जो है आपने डिस्ट्रीब्यूट किया, यहाँ पे भी देखोगे तो पॉजिटिव चार्ज को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया, यानी आवेश को एक समान रूप से ऑब्जेक्ट के अंदर वितरित किया जाए या डिस्ट्रीब्यूट किया जाए तो वो क्या कहलाता है, यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन या एक समान आवेश वितरण कहलाता है। अब देखिए आगे क्या बोला मैंने, ये लिखा हुआ है, अब कुछ पोर्शन में मान लो चार्ज ना जाए लेकिन चार्ज जितना भी डिस्ट्रीब्यूट हो सारा का सारा क्या होना चाहिए, यूनिफॉर्मली होना चाहिए, ये ध्यान रखना। दूसरा होता है नॉन यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, असमान आवेश वितरण। असमान आवेश वितरण, क्या आप नॉन यूनिफॉर्म चार्ज को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं? अब देखिए इसमें चार्ज देखिए यहाँ पे कहीं पे कम है कहीं पे ज्यादा है, और आपको पता है ना जो कर्व भाग होते हैं वहां पे चार्ज हमेशा ज्यादा होता है, वापस बताऊंगा नहीं ध्यान रखना। ये देखो बेटा ये ऊपर वाला कर्व्ड भाग, ये वाला कर्व्ड पोर्शन देख लो, यहाँ पे चार्ज देखो आपको ज्यादा दिख रहा होगा, यहाँ पे चार्ज कम दिख रहा है, ठीक है। तो मोर चार्ज एक्युमुलेट द कर्व्ड एंड शार्प पॉइंट, आपको बता ही रखा है जो कर्व होते हैं और जो तीखे पॉइंट होते हैं, ठीक है, वहां पे चार्ज क्या होता है ज्यादा, यानी वक्र और तीक्ष्ण पे आवेश हमेशा क्या होता है ज्यादा। ये बात आपको पहले भी बता चुके, वापस भी बता दी, चलो दिख तो रहा है ना वो वाली चीज, नहीं दिख रहा होगा एकदम, ठीक है ना। चलो अब तू उधर चला गया वापस, अब देखना आगे बच्चों। अब होता है चार्ज डेंसिटी, आवेश घनत्व, जैसे मास डेंसिटी होती थी ना उसी तरीके से चार्ज डेंसिटी भी होती है, आवेश घनत्व। क्या होता है आवेश घनत्व ध्यान से देखिए बेटा, यही मैंने बताया कि कितना अमाउंट कितनी मात्रा आप आवेश को वितरित कर रहे हो, तो क्या बोलोगे आवेश की वितरित की गई मात्रा, तो वो आपकी क्या हो जाएगी, चार्ज डेंसिटी हो जाएगी। चलो आपको पता है डेंसिटी इक्वल्स टू क्या होता है, आपने पढ़ा होगा डेंसिटी बोले तो घनत्व, डेंसिटी इक्वल टू होता है मास अपॉन वॉल्यूम, यानी कि मास रिप्रेजेंटेड वॉल्यूम, यानी कि घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटे आयतन। यानी कि आयतन में कितना द्रव्यमान आ रहा है, मास प्रेजेंट इन ए वॉल्यूम, कि किसी आयतन में उपस्थित द्रव्यमान,
तरीके से। तो चार्ज क्या हो जाएगा, जितने वॉल्यूम में प्रेजेंट चार्ज, तो इस तरीके से चार्ज डेंसिटी हो जाएगी, चार्ज डेंसिटी इक्वल्स टू चार्ज अपॉन वॉल्यूम, चार्ज प्रेजेंट इन ए वॉल्यूम, आवेश घनत्व। आवेश बटे आयतन, आयतन में उपस्थित आवेश। ये कितने टाइप्स के होते हैं आवेश घनत्व के प्रकार, इनके जो प्रकार होते हैं उसके बारे में देख लेते हैं थोड़ा सा। तो इनके तीन प्रकार होते हैं, कितने होते हैं तीन, मैं आपको बोल चुका हूँ, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, स्फेरिकल सॉरी एरिया चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन एंड वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, तीन तरह के होते हैं, रेखीय आवेश घनत्व, पृष्ठीय आवेश घनत्व और उसके बाद में होता है हमारे पास में आयतन आवेश घनत्व, मतलब लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन और वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, तीन तरीके से होता है। अब देखिए पहला टाइप्स क्या रहेगा, ध्यान से सुनिएगा, चलो ध्यान से देखना बेटा, तीन प्रकार से होता है। सबसे पहले लीनियर चार्ज डेंसिटी, सरफेस और वॉल्यूम, क्या क्या बताया बेटा, रेखीय आवेश घनत्व, पृष्ठीय आवेश घनत्व और आयतन आवेश घनत्व, तीन तरीके से होगा ये, मैं आपको बोल चुका हूं, ये लेंथ के अलोंग रहेगा, ये कहां रहेगा, लेंथ बोले तो लंबाई के अनुदिश रहेगा, ये कहां रहेगा, क्षेत्रफल के अनुदिश मींस एरिया के अलोंग रहेगा, ये किसके अलोंग रहेगा, वॉल्यूम बोले तो आयतन के अलोंग रहेगा। अब देखना बेटा ध्यान से और समझने की कोशिश कर, सबसे पहला ले लेते हैं हम लोग लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा, रेखीय आवेश घनत्व लैम्डा, जो मैं पहले ही बोल चुका हूं कि लेंथ के अकॉर्डिंग होना चाहिए, यानी कि हमारे पास में चार्ज पर यूनिट लेंथ, मैंने ये पहले ही बोला, तो लैम्डा बराबर क्या हो जाएगा, चार्ज पर यूनिट लेंथ, तो क्यू बाई एल हो जाएगा, यानी कि आपकी पर लेंथ में कितना चार्ज आ रहा है वही आपकी लीनियर चार्ज डेंसिटी है। क्या है, लीनियर चार्ज डेंसिटी, यानी पर यूनिट के अंदर कितने चार्ज को आप लेके रखते हो। तो कोई भी बोलिए कि लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, तो वो लैम्डा होता है, सबसे पहली चीज क्या होता है, लैम्डा, और वो लेंथ के अलोंग होगा, तो जितनी लेंथ में पर यूनिट चार्ज आ रहा है वो आपका क्या है बेटा, लैम्डा। ये देखिए लैम्डा बराबर क्यू बाई एल आ गया है, ठीक है, मैंने आपको पहले ही बोल दिया। मान लीजिए कोई रॉड है, उस रॉड में चार्ज इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, पॉजिटिव चार्ज है वो एक यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट है या एक समान रूप से डिस्ट्रीब्यूट है। अब ध्यान से देखना, इसकी लेंथ एल ले ली मैंने, इसका चार्ज क्यू ले लिया, तो देखो जैसे अपन प्लस क्यू लिखते थे ना, तो यहाँ पे ये प्लस क्यू है, लेकिन ये प्लस क्यू इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है रॉड के अंदर, क्या कहा, ये प्लस क्यू इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है रॉड के अंदर, कहां पे, रॉड बोले तो छड़, हिंदी वालों ध्यान रखना, एक छड़ है आपके पास में इस तरीके से, तो लैम्डा बराबर क्या लिखोगे, क्यू बटे एल, अगर मान लो छोटा भाग आ जाए तो डी क्यू बटे डी एल कर देना इस तरीके से, मान लो कोई सर्कुलर रिंग आ जाए तो क्या करोगे, यानी कि ये जो रॉड थी इस रॉड को मोड़ के एक सर्कुलर बना दिया, तब उसकी लेंथ क्या हो जाएगी, टू पाई आर हो जाएगी, और क्या, तो Q बटे 2 पाई आर हो जाएगा, और कोई दिक्कत नहीं आएगी, तो ये Q बटे 2 पाई आर हो जाएगा, ध्यान रखना इस तरीके से।
और अगर छोटा चार्ज है तो क्या होगा, डी क्यू बटे डी एल हो जाएगा, यानी जितनी लेंथ में जितना चार्ज आ रहा है ना वो हो जाएगा। अगर मान लो स्मॉल एलिमेंट का है तो स्मॉल एलिमेंट का चार्ज अपॉन उसकी लेंथ, तो डी क्यू बटे डी एल हो जाएगी। बता दी बात समझ में, समझ में आ गया इतना? तो क्या क्या बोला मैंने कि अगर मान लो कि रॉड के लिए इक्वली डिस्ट्रीब्यूट है तो क्यू बाई एल कर दो, और अगर इसको मोड़ के अमाउंट ने क्या बना दिया रिंग, और उसके ऊपर जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है उसकी लेंथ में, तो लेंथ कितनी है, सर्कमफेरेंस के बराबर, परिधि के बराबर, 2πr, तो कितना बना, क्यू बटे 2πr। अगर मान लो छोटे एलिमेंट की बात की, भाई किसी ने बोला इतने एलिमेंट का बताओ, तो इतने एलिमेंट का लैम्डा क्या निकल जाएगा, इसमें मान लो डी क्यू चार्ज परसेंट है और लेंथ कितनी है डी एल, तो लैम्डा आ जाएगा डी क्यू बटे डी एल बेटा। इस तरीके से यूनिट्स क्या होगी, तो देखिए इसकी यूनिट क्या होती है, कूलाम, इसकी क्या होती है, मीटर, तो लैम्डा की यूनिट होगी कूलाम अपॉन मीटर। डायमेंशन निकाल सकते हो रे, ए टी और नीचे क्या है एल, तो एल माइनस वन ए वन और टी वन आ जाएगा, यही बोला था मैंने, एल माइनस वन और ए वन और टी वन आ जाएगा, आई एक्चुअल में यही है, ध्यान रखना। चलो सरफेस चार्ज डेंसिटी पृष्ठीय आवेश वही पिज्जा वाला है बेटा, है ना, पिज्जा के अंदर जो मसाला डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है वही चीज है, यानी कि जब हमारा चार्ज सरफेस के अलोंग, एरिया के अलोंग डिस्ट्रीब्यूट होगा तो वही हमारा सिग्मा सरफेस चार्ज डेंसिटी होगा। जैसे उसको लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं वैसे इसको सिग्मा से करते हैं, ध्यान रखना। ये रहा चार्ज पर यूनिट एरिया, तो वो क्या था, चार्ज पर लेंथ, और ये क्या बोलेगा, प्रति क्षेत्रफल में उपस्थित आवेश, प्रति क्षेत्रफल में उपस्थित आवेश, एक वर्ड और जो है ना, प्रति एकांक, तो सिग्मा बराबर क्यू बाई ए कर दोगे, क्यू बटे एरिया हो जाएगा। ठीक है, चलो सरफेस हैज ओनली एरिया, देखिए सरफेस के पास में हमेशा क्षेत्रफल ही होता है। ठीक है, जैसे लेंथ, जैसे कोई भी रॉड वगैरह होती है ना उसमें लेंथ होती है, तो इसमें एरिया होता है, ध्यान रखना। ये रहा बेटा एक सरफेस, उसमें उपस्थित आवेश। डिस्क के लिए बात करें तो इसकी रेडियस आर है, तो डिस्क का एरिया कितना हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, तो सिग्मा बराबर क्या आ जाएगा, क्यू बटे पाई आर स्क्वायर, डिस्क का एरिया यही होता है। ठीक है, अरे पिज्जा का एरिया क्या होगा रे, पाई आर स्क्वायर होगा, और क्या होगा सर, खिलाओ तो पिज्जा पता चले। अच्छा बेटा, तो ये आ गया क्यू बटे पाई आर स्क्वायर। इस तरीके, अगर मान लो स्मॉल हो जाए तो डी क्यू बटे डी ए हो जाएगा। ठीक है, गॉट इट। चलो यूनिट्स वही कूलाम अपॉन मीटर, इस बार एल माइनस टू ए वन टी वन हो जाएगा, बस खत्म। ये इसके डायमेंशन, मतलब विमा, हिंदी वालों डायमेंशन का मतलब होता है विमा, और यूनिट का मतलब होता है मात्रक। अब वॉल्यूम के अंदर देखो, आयतन आवेश घनत्व, तो प्रति एकांक आयतन में उपस्थित आवेश, अब क्या हो जाएगा, प्रति एकांक आयतन में उपस्थित आवेश, इस तरीके से। तो ये क्या हो जाएगा, इस बार रो होता है, ये रो से बताते हैं, और आपको पता है रॉड के अंदर लेंथ थी, डिस्क में एरिया था, उसी तरीके से स्पेयर में क्या होता है, वॉल्यूम होता है, क्या होता है, वॉल्यूम। तो ये स्पेयर के पास आयतन होगा, तो किसी स्पेयर का आयतन कितना होता है, गोले का आयतन, सर स्पेयर, स्पेयर बोले तो गोला, गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब होता है, ध्यान रखना। तो रो बराबर क्यू बाई वी, अगर आपके पास में स्पेयर है तो इसका रो निकालना होगा, तो क्या बनेगा, क्यू बटे 4/3 पाई आर क्यूब बनेगा, ये ध्यान रखना। देखो पाई आर क्यूब बना कि नहीं बना, स्मॉल एलिमेंट हो जाएगा तो क्या बन जाएगा, स्मॉल एलिमेंट के लिए डी क्यू बटे डी वी बन जाएगा, यूनिट कूलाम अपॉन मीटर क्यूब आ जाएगी, एल माइनस थ्री ए टी आ जाएगा। चलो देखिए तीन तरह के चार्ज डिस्ट्रीब्यूट बताया, सबसे पहला लेंथ के अलोंग, दूसरा सरफेस के अलोंग, और तीसरा वॉल्यूम के अलोंग। सरफेस के अलोंग दूसरा था, पहला था लेंथ के अलोंग, और तीसरा था वॉल्यूम। जब लेंथ के अलोंग होगा उस समय आएगा लैम्डा, सरफेस के अलोंग सिग्मा,
और जब आपके पास में वॉल्यूम के अकॉर्डिंग होगा तो रो आएगा, जब लेंथ के अकॉर्डिंग होगा तो ध्यान रखना पर लेंथ में कितना चार्ज है, जब आपका सरफेस के अकॉर्डिंग होगा तो पर एरिया में कितना चार्ज है, और वॉल्यूम में होगा तो पर वॉल्यूम में कितना चार्ज है। तो उसमें आ जाएगा Q बाई एल, क्यू बाई एरिया और क्यू बाई वॉल्यूम। अगर स्मॉल एलिमेंट है तो भी लैम्डा ही रहेगा, लेकिन वहाँ पे चार्ज डी क्यू होगा, लेंथ डी एल होगी। आई बात समझ में? और इसी तरीके से सरफेस में जाओगे तो डी क्यू बटा डी ए बन जाएगा, और वॉल्यूम में डी क्यू बटा डी वी। यूनिट आप याद रख सकते हो कि भाई हमारे पास में क्यू अपॉन एल है तो कूलाम अपॉन मीटर कर देना, क्यू अपॉन एरिया है तो कूलाम अपॉन मीटर स्क्वायर कर देना, और क्यू अपॉन वी है तो कूलाम अपॉन मीटर क्यूब कर लेना। आई बात समझ में? चलो अब देखो कंपेरिजन बताऊंगा तीनों का। ये तीनों के कंपेरिजन मैंने बताए, एक तो रेखीय आवेश घनत्व है, एक पृष्ठीय आवेश घनत्व है, और एक आयतन आवेश घनत्व। एक एक चीज मैं आपसे पूछूंगा और आपको बतानी है, यहाँ पे सारी चीजें मैंने लिखी है। चलो एग्जाम्पल लेते हैं, इसका एग्जाम्पल क्या होता है बोलो, रॉड होता है कि नहीं होता है? रॉड, रॉड बोले तो छड़, इसका डिस्क, डिस्क बोले तो चलो रॉड होता है, रॉड बोले तो छड़ होता है, ठीक है। क्या रिलेशन बना था? Q बाई एल, क्या बना था? Q बाई एल। उसके बाद में देखो ध्यान से तो यूनिट क्या आई थी रे, कूलाम अपॉन मीटर, डायमेंशन यानी कि वीमा क्या आई थी, L माइनस 180। चलो फॉर्मूला ये रहा वापस वही जनरल फॉर्मूला, यानी कि एक छोटे से एलिमेंट के लिए डी क्यू बट्टे डी एल। अब आ जाएगी चकती, ये आपकी क्या थी बेटा, रॉड थी, ध्यान रखना छड़ थी, ये चकती आ गई। अब इस तरीके से चकती आ गई आपकी, ठीक है। तो चकती के लिए क्या हो जाएगा, डिस्क, डिस्क बोले तो चकती, क्यू बाई एरिया हो जाएगा, ठीक है। यूनिट्स गुलाम अपॉन मीटर स्क्वायर हो जाएगी, डायमेंशन एल माइनस 180, फॉर्मूला क्यू बाई पाई आर स्क्वायर, यहाँ डी क्यू बटे डी। इसी तरीके से गोला हो जाएगा, तो गोले में क्या हो जाएगा, स्पेयर बोले तो गोला, क्यू बाई वी गुलाम अपॉन मीटर क्यूब, एल माइनस 380, 4/3 पाई आर क्यूब। ये उल्टा लिख दिया मैंने गलती से, चलो क्या मैंने मेरे वाले लैपटॉप में तो ठीक कर दिया था, लेकिन इसमें ऑलरेडी भी मैंने सेव कर किया तो मैं भूल गया कि वापस सही करना। ये डी क्यू बटे डी, सारी चीज़ बता दी। चलो एम सी क्यूज देख लो, तो ये सारा चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन खत्म हो गया। पहला एम सी क्यू क्या है बेटा, सरफेस चार्ज डेंसिटी इज डिनोटेड बाय पृष्ठीय आवेश, जो है वो कैसे डिनोट किया जाता है। तो पृष्ठीय आवेश क्या था बेटा, रो था। लैम्डा क्या था, तो लैम्डा जो था हमारा लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन अर्थात रेखीय आवेश घनत्व, रो हमारा वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, आयतन आवेश वितरण, ई होता है इलेक्ट्रिकल फील्ड, तो सिग्मा हो जाएगा यहाँ पे। सर कंप्यूटर टिक लगाता है क्या, ये लो। दूसरा क्या था बेटा, द यूनिट ऑफ लीनियर चार्ज की यूनिट क्या होती है, क्यू बाई एल, यानी क्या हो जाएगी, कूलाम अपॉन मीटर, कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ए। उसके बाद में था वॉल्यूम वाले के लिए, तो वॉल्यूम में क्या हो जाएगा बेटा, वॉल्यूम की यूनिट पूछिए ना, एल माइनस 3 कर दो और 80 कर दो, कुछ नहीं, तो डी ऑप्शन हो जाएगा। तो ये लेसन आज का हम लोगों ने समाप्त कर दिया बेटा। अब हम गाउसेस पे आएंगे, गाउसेस पे आने के बाद एमसीक्यू कराऊंगा मैं, क्योंकि क्या होता है कभी आपको डेरिवेशन भी करवाने पड़ेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन भी मैं सीधा गाउसेस से करवाना सिखा दूं, इसीलिए गाउसेस पढ़ा के और गाउसेस से डेरिवेशन सिखा के उसके बाद में क्वेश्चन करेंगे। इस बार 100-200 क्वेश्चन आएंगे तो 5-6 दिन लग जाएंगे इलेक्ट्रिकल फील्ड के क्वेश्चन क्वेश्चन क्वेश्चन, क्योंकि गाउसेस के बाद ये चैप्टर खत्म हो जाएगा ना। अब इसमें बचा है गाउसेस ही है थ्योरी के हिसाब से। क्लास 12 के लिए इंपॉर्टेंट चीज बता दी, इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइन की 4 करेक्टरिस्टिक्स पढ़ लेना, ठीक है। और जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन बताया वो गाउस में काम आएगा, ये भी ध्यान रखना। इलेक्ट्रिकल फ्लक्स बाकी है, फ्लक्स फ्लक्स से चले जाएंगे, गाउस गाउस में आ जाएगा। डेरिवेशन जो बोर्ड का सवाल आता है, 4 नंबर का सवाल आता है एक, ठीक है, बोर्ड के अंदर, ये भी ध्यान। चलो बच्चों विदा लेने का समय आ गया, राधे राधे बच्चों, मस्त रहिए, खुश रहिए, पढ़िए। पढ़ाई के सिवा तुम्हारा कोई कुछ नहीं, अगर तुम पढ़ोगे तो बनोगे कुछ, नहीं तो फिर आप बैठे रहोगे ऐसे ही, है ना। चलो बच्चों विदा लेते हैं, चलो भाई रे 720 वालों, चलो राधे राधे।